नरसा विधानसभा के कुहका स्थित फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित भाजपा के संकल्प यात्रा से जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं और गरीबों और मजदूरों की चिंता की। महिलाओं के लिए इज्जत घर, शौचालय, गैस और चूल्हा, गरीबों के लिए पीएम आवास देने का काम किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में झारखंड में कोई भी विकास नहीं हुआ, विकास भाजपा के शासनकाल में हुआ था। हेमंत सोरेन सरकार बताए कि सोनुआ, सारंडा जैसे क्षेत्रों की सड़कें बनने के साथ क्यों टूट गई, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पुलिस को सूचना दी थी कि हमारे ऊपर जान को खतरा है, अब पुलिस ने उनकी सुरक्षा नहीं की। हमने उसी पर भाई, अगर उनको पता था जान को खतरा है तो सरकार का काम क्या था, पुलिस का काम क्या था, उनको प्रोटेक्शन तो उनकी जान बच जाती। आज उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो उसकी हत्या की जिम्मेवार तो पुलिस है, सरकार है। तो इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि भाई आप पूरे मामले को आप जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, एसआईटी गठित करके जांच कराओ। जिस लेवल से जो लापरवाही हुई है, अगर पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की जिन्होंने, तो उनको आप सजा दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की हो रही संकल्प यात्रा को लेकर धनबाद में बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और विधायक राज सिन्हा ने कहा कि संकल्प सभा से झारखंड में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा राज्य को कुशासन और भ्रष्टाचार से निजात दिलाएगी। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में अपराध चरम सीमा पर है, व्यवसायी पलायन करने की सोचने लगे हैं। ऐसे समय में बाबूलाल मरांडी की यात्रा को लेकर व्यवसायी वर्ग में भी उत्साह है और यहीं से परिवर्तन का आगाज होगा। 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस संकल्प यात्रा के छठे चरण में 44वीं विधानसभा में ये यात्रा हो रही है। कल दिन के 3 बजे से रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा करेंगे, जहां कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। मरांडी की धनबाद विधानसभा के संकल्प यात्रा को लेकर सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और धनबाद विधानसभा में पड़ने वाले सभी 458 बूथों के कार्यकर्ता इस सभा में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के संकल्प यात्रा के दौरान आमजन और कार्यकर्ता से वो सीधा संवाद करते हुए दिखेंगे। आज हम लोगों ने आप लोगों से रूबरू होने का काम इसलिए किया कि जैसा कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का सभी विधानसभा में, 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा चल रहा है और उसमें वहाँ हर विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से, वहाँ के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत कल 27 तारीख को 3 बजे धनबाद विधानसभा में भी उनका प्रवेश होगा और धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में उनका विशाल जनसभा होगा जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। इस जनसभा में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न समाज के लोग, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, वो सब लोग आएंगे। और हम लोग जहाँ जहाँ भी गए, जिन जिन लोगों से संपर्क किया, सब लोगों ने उत्साह दिखाया कि वर्तमान स्थिति जो झारखंड की हो गई है और धनबाद की खास करके, कि यहाँ रंगदारी चरम पे है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया, विकास के सारे कार्य ठप हैं, यहाँ तक कि विकास की सबसे बड़ी जो विभाग में बैठकें होती हैं, 20 सूत्री की बैठक, वो 3 साल में पहली बार अभी हुआ इस महीने में, कुछ रोज पहले वो भी एक फॉर्मेलिटी हुआ। तो इस प्रकार बिजली, सड़क, बिजली, पानी, सब यहाँ के सभी की हालत ख़राब है। यहाँ के युवा जो हैं वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे पहले साल में, नहीं तो भत्ता देंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ। चंदन क्यारी में करम पर्व के मौके पर बोआ ढूंगरी में आयोजित सांस्कृतिक करम मेला में लोगों का भारी जुटान हुआ। इस मौके पर गांव के हजारों लोग करम डाल के साथ करम गीत गाते हुए ढूंगरी करम अखाड़ा पहुंचे। महोत्सव में मुख्य अतिथि ढूंगरी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, महासस नेता जगदीश रवानी और JBKSS के नेता जयराम महतो भी पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए ढूंगरी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि करम झारखंड की समृद्धशाली सांस्कृतिक पर्व है। महासस नेता जगदीश रवानी ने कहा कि बोआ ढूंगरी का करम अखाड़ा ऐतिहासिक करम अखाड़ा है।
भाषा और खतियान आंदोलन के नेता जयराम महतो ने कहा कि करम पर्व झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को समेटे एक समृद्धशाली पर्व है जिसका संबंध जीवन और सृजन से है। मंत्री बेबी देवी ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने डुमरी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बतौर विधायक पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बेबी देवी के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री रहते जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी। जेएमएम ने यहां से दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया था। बेबी देवी बतौर मंत्री चुनावी मैदान में उतरी थी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को पराजित किया था। बतौर विधायक शपथ लेने के बाद बेबी देवी ने कहा कि डुमरी की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे वो पूरा करेंगी। जो विधानसभा का वो मैं ग्रहण करने वाले हैं उसके कर्तव्यों का आप सबों को पहले से ही इसका सूचना था कि आज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 डुमरी विधानसभा का हाल में चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती बेबी देवी विजय श्री हासिल की, जिसका आज मेरे सभा कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अपना क्षेत्र काम करेंगे, मंत्री जी का अधूरा काम है सिर्फ अपना पूरा करेंगे, बात करेंगे ना सीएम साहब से। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कम